हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एंड डेट टाइम डेटा टाइप्स। आज हम बात करेंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स और बाइनरी डेटा टाइप्स। तो हम शुरुआत करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स से। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लिस्ट आउट करे हैं, जैसे ये कैरेक्टर एन वर्कर एन एन वर्कर एन वर्कर एन एन टेक्स्ट, ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक डेटा टाइप्स है। तो स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, मतलब ये सारे इतने सारे क्यों हैं? तो सब में अलग अलग डिफरेंस है, तो मतलब आप अपनी यूज केस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर एन। ये लिखा है फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। मतलब क्या, कैरेक्टर एन में अगर आप कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो फिक्स लेंथ की रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं अगर बोलूँ के फॉर एग्जाम्पल टेस्ट कैर 6, मतलब अगर इस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो वो सब 6 कैरेक्टर लेंथ की होगी मैक्सिमम, उससे कम की भी हो सकती है। पर फिक्स क्यों कहा? अगर हमें यहाँ पर ठीक है, मुकेश मैंने स्टोर किया तो 6 लेंथ हुआ, ठीक है, तो ओके फिक्स लेंथ हो गया। पर अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये स्टोर करता हूँ तो लेंथ कितनी हुई? 3। तो यहाँ तो फिक्स लेंथ कैसे हुई? फिक्स लेंथ तो नहीं हुई, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फिक्स लेंथ डेटा टाइप है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनली तो मीट स्टोर करेगा, पर बाकी के 1 2 3 3 स्पेस वो रखेगा वहां पर, और 6 लेंथ की ये स्ट्रिंग बनेगी। इस इंटरनली वो 3 स्पेस वहां पर रखेगा। तो मतलब बाकी की ये जो स्पेस वाली जो स्पेस वाला जो पार्ट है वो वेस्टेज है हमारे लिए, मतलब इतनी स्पेस हमारे लिए वेस्ट हो गई। तो ये फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है कैरेक्टर एंड ये है। अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा है, वर्कर एन। वर्कर एन को क्या बोला है? वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ओके, डेटा टेस्ट फॉर एग्जांपल वर्कर 6, ठीक है। अब डेटा टेस्ट जो बोल रहा है वेरिएबल लेंथ, अगर इसमें हम ये स्टोर करते हैं तो ये तो 6 लेंथ हो गया, तो ये तो चलो ठीक है। अब डेटा टेस्ट में अगर मैं मीट करता हूँ तो 3 लेंथ हुई। इसको वेरिएबल लेंथ बोला गया ये डेटा टाइप को, राइट? तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मीट हमने स्टोर करा है तो इंटरनली वो 3 कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। 3 कैरेक्टर प्लस उसकी लेंथ, अगर 3 है तो वो लेंथ लेंथ भी स्टोर करेगा, लेंथ डेटा टेक्स्ट। तो मतलब लगभग 4 बाइट्स के अराउंड वो स्टोर करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो 6 के 6 उसको यूज़ करने हैं। सेम ऐसे ही अभी तो मैंने यहाँ 6 का बताया, अगर आपने वर्कर 15 करा है और उसमें अगर 10 ही कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, बाकी के 5 हुआ अगर नहीं कर रहे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। पर कैरेक्टर कैरेक्टर डेटा टाइप कैरेक्टर डेटा टाइप के केस में वो करेगा, पर वर्कर के केस में नहीं करेगा। तो वर्कर में ये फ़ायदा है। बट अगर देखा जाए, अगर आप देखा जाए फिक्स लेंथ का परफॉर्मेंस बढ़िया होगा वर्कर से, क्योंकि वो फिक्स मतलब डेटा जो भी है वो कंसिस्टेंट लोकेशन पे स्टोर रहेगा, जो जबकि वर्कर वाले में कंसिस्टेंट लोकेशन पे नहीं रहेगा, है ना? तो परफॉर्मेंस वाइज कैरेक्टर बेस्ड है और वर्कर उससे थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस रहेगा। और स्टोरेज वाइज देखोगे तो वर्कर बढ़िया है और कैरेक्टर वाले में थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करेगा वो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टैग्स। टैग्स जो है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा है, बट वो डुप्लीकेट हो गया है, तो उसकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए? वर्कर मैक्स। तो वर्कर मैक्स तो वर्कर, हमने वर्कर एन तो ऑलरेडी देख लिया,
ठीक है, तो वेर केयर मैक्स क्या है, तो मैक्स की वैल्यू जो प्री डिफाइंड वैल्यू है 2^31 समथिंग है -1, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। मैक्स इतनी लेंथ की ये वेर केयर स्ट्रिंग बन सकती है, ठीक है। डिफरेंस वेर केयर और वेर केयर मैक्स में ये है, ठीक है। तो ये है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा है तो वो वेरकर मैक्स डेटा टाइप यूज करना चाहिए। जो टेक्स्ट उसमें बता रखा है वो डुप्लीकेट हो गया है, तो उसकी जगह वेरकर। तो हमने क्या क्या कवर किया, केयर, वेरकर और वेरकर मैक्स, है ना। उसके बाद है एन केयर, एन एन वेरकर और एन टेक्स्ट, ठीक है। अब देखा देखा जाए तो यहाँ पर ये केयर था, तो यहाँ एन केयर हो गया, ठीक है। फिर यही सेम डेटा टाइप, उसको हमने एन वर्कर कर दिया, और यही जो एन वर्कर मैक्स था उसको एन वर्कर मैक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये एन जो प्रिसीड करके ये जो नए डेटा टाइप्स बने हैं, मतलब तो ये क्या है। तो दोस्तों जो नॉर्मल डेटा टाइप्स थे वो सारे एस की कैरेक्टर्स सपोर्ट करते थे। कौन कौन से, कैर एन, वेरकेर एन, वेरकेर मैक्स और टेक्स्ट। एक्स की कैरेक्टर 1 byte कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए उनको एक ही बाइट की ज़रूरत है, ये एस के कैरेक्टर्स को। तो एक ही कैरेक्टर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एस की कैरेक्टर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का लेस, मतलब लेस इंक्लूड कर सकते हैं, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं कर सकते। मीन्स एस की कैरेक्टर सेट में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है वो कम है, क्योंकि 1 byte का है, ठीक है। अब जो एन वर्कर वाले जो है वो यूटीएफ कैरेक्टर्स सपोर्ट करता है, तो मतलब एस्की में जो है वो तो होंगे, और उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स वो सपोर्ट करते हैं, मल्टी लिंगुअल सपोर्ट कैरेक्टर्स, मल्टी लिंगुअल। अगर आपको मल्टी लैंग्वेज और स्ट्रिंग सपोर्ट करनी है तो उस केस में आपको ये यूटीएफ वाले यूज करने चाहिए। तो उस केस में कौन कौन से ये है, एन वर्कर मैक्स, ठीक है। तो ये सारे हुए यूटीएफ कैरेक्टर सेट डेटा टाइप, मतलब आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करना है तो यूटीएफ का सही है। अगर मतलब आपको पता है ये कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप करने वाले हैं, मल्टी लैंग्वेज में नहीं करने वाले, तो एस की कैरेक्टर इज ओके। तो उस केस में क्या, 1 byte ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा फॉर 1 character, राइट। और यूटीएफ के केस में 2 byte, तो ये डिफरेंस है। तो ये हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप सारे कवर कर लिए। अब देखते हैं बाइनरी डेटा टाइप्स। बाइनरी एन, अगर हमको कोई बाइनरी डेटा स्टोर करवाना है उस केस में हम ये बाइनरी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। हमको लाइक बाइनरी लाइक बीट्स वगैरह बाई इन इन फॉर्म ऑफ बाइट्स, बाइट्स और बिट्स, उस केस में हम बाइनरी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनरी 5, राइट। तो और सेम वे पी बाइनरी एन, मीन्स ये वेरिएबल लेंथ वाला हो गया। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो कैसे हम असाइन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट बाइनरी 5, राइट। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से होगी 0x, बाइनरी वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए, फिर 1, 2,
sorry 01 02 03 04 05। तो ये एक एक बाइट हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बाइट हो गए। तो इस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। ये फिक्स लेंथ हो गया, ये वेरिएबल लेंथ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, इमेज। इमेज के लिए है, ओके दोस्तों यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी, यहाँ वेर बाइनरी, मैंने सिर्फ वी बाइनरी लिख दिया था, और इमेज वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा वो भी डिप्रिकेट हो गया, उसकी जगह हम वेर बाइनरी मैक्स यूज कर सकते हैं, राइट। अब सॉरी उसके बाद है अदर डेटा टाइप्स। तो बीट 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 जो है, अगर बुलियन डेटा बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है तो बीट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर, हमें 128 यूनिक आइडेंटिफायर, एक 128 बीट डेटा टाइप है, उसमें 128 बीट लेंथ डेटा आप स्टोर करवा सकते हो। और ये जीयूआईडी है, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर है। अगर मतलब आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, पर ये बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली, और ये जनरेट होता है न्यू न्यू आईडी करके एक फंक्शन है, न्यू आईडी ये फंक्शन से जनरेट होता है जीयूआईडी, ठीक है। तो वो एक है यूनिक आइडेंटिफायर। उसके बाद है XML। अगर XML डेटा स्टोर करवाना है XML फॉर्मेट में पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, तो आप XML डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। कर्सर भी एक डेटा टाइप है। अगर आप टेबल की रोज को अगर वन बाय वन रो फैच करके उस पर कुछ प्रोसेसिंग करवाना चाहते हो इन मेमोरी, तब हम कर्सर का यूज़ कर सकते हैं। SQL वेरिएंट और टेबल। तो यहाँ पर टेबल तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, वो डेटा टाइप नहीं है वो, ठीक है। तो वो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा कैसे स्टोर करता है कॉलम्स और रोज में, वो हम देखेंगे आगे। और SQL वेरिएंट है, SQL वेरिएंट है ना एक स्पेशल टाइप का मतलब डेटा टाइप है। उसमें आप डिफरेंट जो भी डेटा टाइप्स SQL सर्वर के अंदर सपोर्टेड है उसमें मतलब उसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हो SQL वेरिएंट के अंदर। अगर मैं फॉर एग्जांपल SQL वेरिएंट है टेस्ट SQL वेरिएंट, ठीक है। अगर ये डेटा टाइप ये वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, तो इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं इंटीजर भी स्टोर करवा सकता हूँ। तो ये एक स्पेशल तरह का डेटा टाइप है, मतलब अलग अलग टाइप के डेटा टाइप के डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो एसक्यूएल वेरिएंट में। तो वो मतलब नॉर्मली तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर कहीं कुछ ऐसा यूज केस आ जाए तो हम कर सकते हैं इसका यूज़, ठीक है दोस्तों। हम ये वाला डेटा टाइप का जो भी है पूरा यहाँ पर अभी पूरा करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्टली टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल से डेटा कैसे फैच करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, वो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है दोस्तों, बाय।